नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि गर्मी और शादियों के चक्कर में मतदान प्रतिशत कम हुआ है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निराशा के चलते कांग्रेस की वोटर पोलिंग बूथ तक नीचे पहुंच रहे हैं। यही वजह है वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि कम से कम 10% वोट बढ़ाई जाए, जिसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आम जनता से अपने मतदान का उपयोग करने की अपील करें। वहीं कमलनाथ के बयान पर भी वीडी शर्मा ने निशाना साधा है। आज करीब 6 देश के प्रतिनिधि बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर यह जानने की कोशिश करी कि कैसे बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन की बैठक, वैसे तो हमारी बैठक प्रतिदिन रूटीन होती है, लेकिन आज भी चुनाव प्रबंधन की हमारी जो बैठक है वो संपन्न हुई है। और बैठक में विशेष तौर पर 7 तारीख को आने वाले जो थर्ड फेज है, फिर 13 को आने वाला जो फोर्थ फेज है, उन लोकसभाओं के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जो हमारा सूक्ष्म प्रबंधन, ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से हम जो लगातार जिसको कर रहे हैं उसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा जो है, तो बेहतर काम हमारी टीम और प्रत्येक लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा की टीम लगातार नीचे तक कर रही है। खास तौर पर मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा, लेकिन और भी कुछ शादियाँ, भारी गर्मी होने के कारण से भी, तो इसके और प्रबंधन ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है। पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता एक्टिवेट होकर के पन्ना प्रमुख की जवाबदारी के साथ कि वो मतदाताओं को निकाले और मतदान केंद्र तक पहुंचाने का आग्रह करें, ये प्रयास हमने इसको और गंभीरता के साथ, अभी हमारी प्रबंधन की टोली लगातार इस पर काम कर रही थी, फिर हमने इस पर और काम करने का प्रयास किया है। सामाजिक लोगों से भी अपील की है कि वो भी अपील करें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की। भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र जो हर लोकसभा में, हर विधानसभा में, प्रत्येक बूथ पर है, 10% वोट शेयर बढ़ाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उसे पूरा करने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस दिशा में जुटे हैं। इसलिए एक बेहतर प्रबंधन कैसे हो सकता है, आज इस पर हमारी टीम ने समीक्षा की है। और एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर लोकतंत्र के महापर्व पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तो दुनिया के देशों के पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को अध्ययन करने के लिए आए हैं। आज 6 देशों के प्रतिनिधि, आज मेरे साथ भी उनका यहाँ पर बातचीत हुई है, फिर प्रबंधन की टीम के साथ वो बैठे हैं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा सागर लोकसभा के सिरोंज क्षेत्र में, आज उनकी रैली है, बड़ी सभा है, उस सभा को भी देखने के लिए वो 6 देशों के प्रतिनिधि, उसमें इजराइल भी है,
और युगांडा भी है, नेपाल भी है, मॉरिशस भी है, ऐसे 6 देशों के प्रतिनिधि वहाँ भी आज वो रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत के लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े दल को समझने के लिए अन्य देशों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी देश के अंदर अन्य अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश उसमें प्राथमिकता पर है, यहाँ पर लोग आकर के समझने का काम कर रहे हैं। बूथ प्रबंधन क्या है ये भी वो समझ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी ये आज इतनी विजय लगातार मोदी क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो प्रबंधन का और वर्क का गैदरवेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे भी वो समझने का प्रयास आज यहाँ पर कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 7 तारीख को धार और खरगोन के अंदर प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे, इसलिए आगामी दोनों फेजों की तैयारी हम ताकत के साथ और कहीं कुछ करने की जरूरत है उसको कर रहे हैं। और इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को हम पूरा करेंगे। इस बार छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी, ये सुनिश्चित हो गया है। और आज जो मैं कमलनाथ जी का बयान पढ़ रहा था वो कोई वोट परसेंटेज कितना हुआ है, अरे कमलनाथ जी आपका ये बयान सुनिश्चित करता है कि आप चुनाव हार गए। राहुल गांधी की खींच ये सुनिश्चित करती है कि संविधान के अंदर जिस संविधान के लिए लोगों ने जिस आज़ादी के लिए बलिदान दिया और इस संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उस संविधान की कॉपी को लहरा करके और आप झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का काम किया है। हमने कंप्लेंट भी की है, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है और हमारा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से भी मिलेगा कि राहुल गांधी के ऊपर FIR हो। माननीय गृहमंत्री के लिए, हमारे देश के गृहमंत्री के लिए आप इस प्रकार के झूठे शब्दों का उपयोग करना, कांग्रेस केवल झूठ और छल कपट तक सीमित रह गई है। राहुल गांधी जी, यह मध्य प्रदेश है, पहले भी आपको आईना दिखाया है, जहां जहां आपके कदम पड़े थे वहीं बंटाधार हो गया था और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का बंटाधार हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश की जनता तैयार है, आपने जो कृत्य किया इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को भी हमने कहा और FIR करने की भी हमने मांग की है और हमारा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इनकी लोकप्रियता और कहाँ बढ़ेगी, पाकिस्तान में ही बढ़ेगी। देश के जनमानस ने ये समझ लिया है, ये मानसिक विचित्र हो गए हैं राहुल गांधी के, कुछ भी कब क्या बोल रहे हैं। आप जिम्मेदार राजनीतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इतना सफेद झूठ बोलते हैं। तो इसलिए उनकी लोकप्रियता पाकिस्तान को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर जो कांग्रेस करती आई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास के मंत्र से तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी, परिवारवाद की राजनीति खत्म कर दी। तो इंडी गठबंधन केवल परिवार और तुष्टीकरण केवल एक वर्ग को खुश करने का, तो पाकिस्तान ही खुश होगा। लेकिन देश का जनमानस आज मोदी जी से खुश है और मोदी जी को आशीर्वाद उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से जनता दे रही है। अमेठी चली जाए, वहां भी गई थी, क्या हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। तो उनके आने से और इससे यहां कोई अंतर नहीं पड़ता। कांग्रेस केवल फूट डालो राज करो, आज भी वही इनके खून में, वही अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं, वो यही काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में इस बार मध्य प्रदेश की जनता देगी। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारा कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से गरीब कल्याण और विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरा है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।